चलिए रुक करेंगे अब आगे, बता दें बड़ी खबर ऋषिकेश से है जहां पर दौरे पर सीएम थामे चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लेकर जायजा। गढ़वाल आयुक्त डीआईजी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ऋषिकेश से है जहां दौरे पर सीएम थामे और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। गढ़वाल आयुक्त डीआईजी सहित कई अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री थामे और ऋषिकेश के दौरे पर हैं। लाइव तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री थामे की, जहां पर लोगों से आम जनता से बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए कितनी सुगम और सरल ये जो यात्रा है वो बनाने की व्यवस्था की गई है। तो जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं और ऐसे में ऋषिकेश के दौरे पर मुख्यमंत्री थामे और उन्हीं श्रद्धालुओं से, बच्चों से, आमजन से बातचीत करते हुए उनसे जानते हुए कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी या फिर दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, इंतजाम देखने के लिए कई अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री थामे ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें आप ऋषिकेश से देख रहे हैं फिलहाल एक बच्चे से बात करते हुए। देखिए आसपास कई लोग और भी मौजूद हैं क्योंकि फिलहाल जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूरा प्रयास प्रशासन कर रहा है, सरकार की तरफ से कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो फैसला हो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा को बंद करने का या वीआईपी मूवमेंट को बंद करने का या फिर वीडियोस को लेकर जिस तरीके से कहा गया था कि 50 मीटर के दायरे में वीडियोस नहीं बनानी है, इस तरह के तमाम फैसले हैं जो कि लिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री थामे हर फैसले पर नजर रखे हुए हैं और समीक्षा बैठक लगातार करते रहते हैं और अब ऋषिकेश पहुंचे हैं तैयारियों को खुद ग्राउंड पर देखने के लिए। तो ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री थामे मौजूद हैं और वहां पर देखने के लिए तैयारियों को कि किस तरीके से हैं और जनता क्या सोच रही है, जनता को क्या समझ आ रहा है, क्या वो व्यवस्थाएं जनता को मिल पा रही हैं या वो सुविधाएं जनता को मिल पा रही हैं या नहीं जो कि सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, वही जानने के लिए जनता के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में मुख्यमंत्री थामे पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश में। तो कैंप में एक फिलहाल मुख्यमंत्री थामे जहां पर जो श्रद्धालु जन है वो यहां पर पड़ाव के लिए रुके हुए हैं और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, उन्हीं के बीच में तमाम अधिकारियों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री थामे पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं एक एक करके और जो आम जन है वो भी उनसे मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन भी उनका स्वीकार कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आम जनता के बिल्कुल करीब और उनसे जुड़ने की कोशिश, उनसे जानने की कोशिश, यहां पर सेल्फी लेते हुए फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एक बच्ची छोटी सी जो कि मुख्यमंत्री थामे से बातचीत करती हुई, उनके साथ में फोटो खिंचवाती हुई, सेल्फी लेती हुई। देखिए आसपास सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और बता दें कि गढ़वाल आयुक्त और डीआईजी भी उनके साथ में मौजूद हैं और इन्हीं तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री थामे की जनता असंतुष्ट है या फिर नहीं तैयारियों से, या जिन निर्देशों को मुख्यमंत्री थामे देते हैं अधिकारियों को वो जमीन पर पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, उन्हीं को देखने के लिए मुख्यमंत्री थामे ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। तो जनता से सीधे वार्तालाप करते हुए जुड़ते हुए ये तस्वीरें हैं। जाहिर है कि तमाम बड़े फैसले चारधाम यात्रा के लिए सरकार ले रही है, लेकिन उन बड़े फैसलों को किस तरीके से पूरा कराया जा रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है और खुद देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री थामे पहुंच गए हैं ऋषिकेश में और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनको आश्वासन भी दे रही हैं किसी तरह की कोई परेशानी है तो अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं जो कि समझा बुझा रही हैं लोगों को। तो बता दें कि चारधाम यात्रा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार तमाम बड़े कदम उठा रही है, प्रयास कर रही है, फैसले ले रही है और खुद की भी नजर रखे हुए है इस यात्रा को लेकर। जब से यात्रा की शुरुआत हुई है बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जन है वो चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने लगे हैं और साथ ही जो भीड़ का दबाव है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा जब से बंद हुई है भीड़ का जो दबाव है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो फिर भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी तमाम इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी। तो ऐसे में जनता से मिलने के लिए मुख्यमंत्री थामे पहुंचे हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश के दौरे पर वहां जाकर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं अधिकारियों के साथ में। और देखिए तमाम श्रद्धालु जन वहां पर जो मौजूद हैं, जनता वहां पर जो मौजूद है, पहला पड़ाव कह सकते हैं इसे, यहां से आगे बढ़ने के लिए चारधाम यात्रा के लिए, तो वहां जनता के बीच में उनसे बात करते हुए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ऋषिकेश से।
देखिए अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री धामी को तमाम अधिकारी, चाहे गढ़वाल आयुक्त हो या फिर डीआईजी हो, उनके साथ साथ चल रहे हैं। सुरक्षा कर्मी भी साथ में मौजूद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।